परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलराम पंत हेडगेवार यानी हमारे प्रिय डॉक्टर जी के पुण्य स्मरण में समर्पित इस भाव सुमनांजलि के दूसरे दिन के इस कार्यक्रम में आप सभी का पुनः मनपूर्वक स्वागत। कल हमने कुछ भाषाओं के गीतों द्वारा परम पूजनीय डॉक्टर जी के जीवन चरित्र को समझने का प्रयास किया। डॉक्टर जी प्रांतिक कांग्रेस कमेटी के एक महत्वपूर्ण नेता है। कांग्रेस के भावी नेतृत्व के रूप में उन्हें देश देख रहा है और उसी वक्त एक चिरंतन चिंतन उनके मन में चल रहा है, जो चिंतन है इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण का। एक छोटा सा प्रसंग, नागपुर में एक टाउन हॉल है, उस टाउन हॉल में एक सभा का आयोजन हुआ है। उस सभा में राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत भाषण चल रहे हैं। डॉक्टर जी भी उस सभा में उपस्थित है कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते, और व्यासपीठ से बोला जा रहा है कि देश के लिए ना हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने के लिए तैयार है, सर्वस्वार्पण के लिए तैयार है। और उसी वक्त एक गोरा सार्जेंट एक नकली सांप को उस सभा में फेंक देता है। सांप सांप करके उस सभा के अंदर चित्कार उत्पन्न होते हैं और उस नकली सांप के डर से देखते देखते दो मिनट के अंदर वह सभा, जो सभा कुछ ही क्षणों पूर्व राष्ट्र के लिए सर्वस्वार्पण समर्पित करने की प्रतिज्ञा कर रही है, वह सभा तहस नहस हो जाती है। परम पूजनीय डॉक्टर जी के मन में पुनश्च एक बार चिरंतन प्रश्न, क्या इस प्रकार के जमावड़े के आधार पर, जिस जमावड़े को कोई अनुशासन नहीं, जिस जमावड़े के सामने कोई ध्येय नहीं, जिस जमावड़े के सामने चरित्र और चारित्र का कोई मानदंड नहीं, राष्ट्र की निर्मिति हो पाएगी? राष्ट्र कैसे बनता है? कौन बनाता है राष्ट्र को? नेता, नारा, या राष्ट्र को निर्माण करता है सामान्य व्यक्ति? जब सामान्य व्यक्ति के अंतःकरण में राष्ट्रीय भावना का उद्भव होता है, स्वधर्म और स्वराष्ट्र के दो भावों से व्यक्ति भारित और प्रेरित होता है, वैयक्तिक चारित्र का अनुष्ठान, राष्ट्रीय स्वाभिमान का अधिष्ठान और एक बलवत्तर संगठना का आधार लेते हुए जब लोक शक्ति चलती है, सत्ता निरपेक्ष, तब इतिहास के प्रवाह में राष्ट्र का निर्माण होता है। केवल सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस, जागृत जनता के केंद्रों से होगा अमर समाज। और इस अमर समाज के निर्माण के लिए व्यक्ति का निर्माण करना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की निर्मिति के पूर्व जो चिंतन डॉक्टर जी के मन में चल रहा है, वह चिंतन व्यक्तित्व के निर्माण का चिंतन है। उस निर्माण के आधार का भावनिक पाथेय जो हिंदुत्व का विचार है, उसका चिंतन है। चलिए आगामी दो गीतों में इसी चिंतन को हम अनुभूत करते हैं। हमारे समक्ष प्रस्तुत हो रहा है एक तमिल और एक मलयालम गीत। नमस्करिप्पु भारतमन्ने स्मरणेयानम्रम् नमस्करिप्पु केशव भारत भाग्यविधातावे नमस्करिप्पु भारतमन्ने स्मरणेयानम्रम् नमस्करिप्पु केशव भारत भाग्यविधातावे
എരിഞ്ഞു നീറി നിന്നുടെ ഹൃദയം തിങ്ങിടുമഴലാലെ ചൊരിഞ്ഞു കണ്ണീരിരവും പകലും ഹൃദയവ്യഥയാലെ ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചു ജീവിതമഖിലം ജനനീ ചരണത്തിൽ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു പുനരഭി ഭാരത വിജയ കൊടി നാട്ടാൻ ഭാരത വിജയ കൊടി നാട്ടാൻ നമസ്കരിപ്പു ഭാരതമങ്ങേ സ്മരണയാ നമ്രം നമസ്കരിപ്പു കേശവ ഭാരത ഭാഗ്യവിധാതാവേ ഭവാന്റെ ഉത്കട തപോവ്രതത്തിൽ തടസ്സമുണ്ടാക്കാ ജഗത്തിലുണ്ടോ മായാബന്ധം ജീവൻ മുക്തൻ നീ വിശുദ്ധമാം നിൻ ജീവിത ദീപം രാഷ്ട്രപ്രേമത്തിൻ വെളിച്ചമേകാൻ നിമിഷം തോറും കത്തിയരിച്ചു നീ മഹാശയ കത്തിയരിച്ചു നമസ്കരിപ്പു ഭാരതമങ്ങേ സ്മരണയാ നമ്രം നമസ്കരിപ്പു കേശവ ഭാരത ഭാഗ്യവിധാതാവേ ജനിച്ചനാൾ തൊട്ടന്തിമ നിമിഷം വരയും ത്യാഗനിധേ ഭവാന്റെ ജന്മം വിശ്രമശൂന്യം കണ്ടക സങ്കീർണം അനാദിനാളായ നയാതരിയും രാഷ്ട്രബലിത്തീ സ്വജീവ പുഷ്പം സ്വന്തകരത്താൽ ആഹുതി ചെയ്തു നീ മഹാശയ ആഹുതി ചെയ്തു നീ നമസ്കരിപ്പു ഭാരതമങ്ങേ സ്മരണയാ നമ്രം നമസ്കരിപ്പു കേശവ ഭാരത ഭാഗ്യവിധാതാവേ ഒരാളം നിന്നോ ലക്ഷം വിത്തിതുവൻ മരമാ അതിന്റെ സാന്ദ്രഛായയിലുലകം സമാശ്വസിക്കുന്നു വെളിച്ചമേൽക്കാതനിഷം ബീജം ശ്വാസം മുട്ടേടം മുളച്ചു പൊങ്ങി പുഷ്പം ചൂടാൻ പാരിനു തണലേകാൻ എന്നും പാരിനു തണലേകാൻ നമസ്കരിപ്പു ഭാരതമങ്ങേ സ്മരണയയാ നമ്രം നമസ്കരിപ്പു കേശവ ഭാരത ഭാഗ്യവിധാതാവേ ഭാരത ഭാഗ്യവിധാതാവേ ഭാരത ഭാഗ്യവിധാതാവേ വില്ലുപാട്ടു വിച്ച് ഈസ് എൻ ഏൻഷ്യന്റ് ഫോക്ക് ഫോം ഓഫ് തമിഴ്നാട് വില്ലു മീൻസ് ബൗ Pattu means singing. So, Villu Pattu means singing with a bow. This is an ancient form of singing in Tamil Nadu, which is predominantly seen in the southern parts, especially. Today, Samskar Bharati Kanyakumari is paying a tribute to our Dr. G, the founder of RSS, through our Villu Pattu. Thank you all. கேசவனை நாம் வணங்கிடுவோம் அவர் பாதையிலே நாம் சென்றிடுவோம் கேசவனை நாம் வணங்கிடுவோம் அவர் பாதையிலே நாம் சென்றிடுவோம் வெற்றியத்தை காட்டிடுவோம் வெற்றியத்தை காட்டிடுவோம் ஜெயமாயிருத்தினே நட்டுவோம் கேசவ
Kesavane na mangidu, avar paiyida sandidu. Kesavane
यह राष्ट्र आराधन होगा व्यक्ति व्यक्ति को जुटा करके। व्यक्ति व्यक्ति जमोन भवती जागृत करणे तया प्रति मनात प्रीति हृदय भक्ति सेवा करणे। डॉक्टर जी के सारे संघ मंत्र का आधार था व्यक्ति, उनका विश्वास था व्यक्ति के ऊपर। जब सारा विश्व व्यक्ति के आइडेंटिटी के क्राइसिस में था, तब भी और आज भी, तब डॉक्टर जी ने निर्माण की हुई इस व्यक्तित्व निर्माण की अनूठी पाठशाला, जिसे हम शाखा कहते हैं ना, उसे समझना काफी प्रासंगिक होगा। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम अपार सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मजधारा में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने का नूतन अनुसंधान न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, चरित्र निर्माण की अनूठी पाठशाला डॉक्टर जी ने दी, जिसका नाम शाखा। व्यक्ति व्यक्ति को जुटाना पड़ेगा, उसमें राष्ट्रीयता के भाव को निर्माण करना पड़ेगा, जब यह व्यक्ति बनेगा। क्योंकि सारे विश्व की समस्या व्यक्ति की है, थी और रहेगी। वांटेड मेन नॉट द सिस्टम स्पिट एंड वाइज नॉट द वेल्थ विथ ग्रेशियस स्माइल्स Not the faith with rigid eyes, not even with the potent pain. Wanted men, यह आक्रंदन जब सारे विश्व में चल रहा था, तो व्यक्ति के निर्माण के अनोखी पाठशाला डॉक्टर जी ने हमें दी, जिसका नाम शाखा। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है। इस आत्मविश्वास को जगाने का एक संकल्प, एक अलख नागपुर के पुण्य भूमि में 1925 में विजयादशमी के दिन और प्रस्फुटित हुआ, जिसका नाम था संघ की शाखा। चलिए सुनते हैं शाखा का वर्णन एक छत्तीसगढ़ी और सिंधी गीत के माध्यम से। खिड़ी रहो पोख्यो विजय
तो केशव भागीरथ सरग ले लाए तैहर संघ के धारा बन के भागीरथ सरग ले लाए तैहर संघ के धारा जेन धारा मां आज तरत है हिंदू समाज अपारा भारत विश्व गुरु बन जावे भारत विश्व गुरु बन जावे ऐसन भाव बनाए केशव बीरा रसता सुघर दिखाए हे तपसी हे महासाधक हे हिंदू राष्ट्र पुजारी हे तपसी हे महासाधक हे हिंदू राष्ट्र पुजारी साखा पद्धति आज गढ़त है मन के मन ला भारी दुनिया भर मा हिंदू संस्कृति दुनिया भर मा हिंदू संस्कृति के झंडा फहराए हे केशव बीरा रसता सुघर दिखाए हे केशव बीरा रसता सुघर दिखाए हिंदू समाज के हित खातिर हिंदू समाज के हित खातिर जीवन अपन लगाए हे केशव बीरा रसता सुघर दिखाए हे केशव बीरा रसता सुघर दिखाए रसता सुघर दिखाए रसता सुघर दिखाए भारत माता की जय। व्यक्ति की निर्मिति करनी है अनुशासन के आधार पर चारित्र के आधार पर उस चारित्र के लिए छोटे छोटे कार्यक्रम संघ की शाखा माने है क्या खेलना कूदना एक दूसरे से बात करना चंदन यानी कच्चे चिवड़े का कार्यक्रम करना परम पूजनीय डॉक्टर जी को जो जानते थे ना उनको तो उस वक्त बड़ा आश्चर्य लगा कि इतना बड़ा डॉक्टर बना हुआ व्यक्ति प्रांतिक कांग्रेस कमेटी का इतना बड़ा नेतृत्व छोटे बच्चों के साथ खेल रहा है। ऐसे बच्चे जिनको कोई पहचान नहीं थी कोई रंग रूप आशय आकार अस्तित्व नहीं था। संघ का वैशिष्ट यह डॉक्टर जी के अनूठे नेतृत्व का वैशिष्ट यह कि ऐसे जिन्हें कोई पहचान नहीं थी ना
ऐसे उस वक्त के 10-12 साल के छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करते हुए राष्ट्र निर्माण की इस महायज्ञ की शुरुआत परम पूजनीय डॉक्टर जी ने की। मन का अतीव स्नेह, ऐसा कहते हैं कि पूजनीय डॉक्टर शुरू में काफी उग्र स्वभाव के थे, लेकिन जब संघ का प्रारंभ किया तो उस उग्र स्वभाव की जगह पर मन का माधुर्य आया। व्यक्ति को जानना, समझना, उसको जोड़ना, स्नेह के सूत्र से उसे बांधना, व्यक्ति व्यक्ति को जुटा, दिव्य संपदा बढ़ा, लोक शक्ति आ रही, संघ शक्ति आ रही। यह जो गीत का वर्णन है ना, उस व्यक्ति व्यक्ति को जोड़ना यानी क्या, एक अद्भुत प्रयोग हो रहा था नागपुर में संघ की शाखा के माध्यम से। और इस व्यक्ति व्यक्ति को जोड़ना और व्यक्ति व्यक्ति को निर्माण करना, इसका वैचारिक अधिष्ठान था हिंदुत्व। एक तरह व्यक्ति का निर्माण और दूसरे तरह हिंदुत्व का भाव जागरण, इन दो पहलुओं को लेकर के संघ का निर्माण हुआ। क्योंकि परम पूजनीय डॉक्टर जी के अंतर्मन की, राष्ट्र जीवन के इतिहास वर्तमान को सबको पढ़ने के बाद यह दृढ़ भावना हुई थी कि आसे तू हिमाचल इस राष्ट्र को जोड़ने की, जोड़कर रखने की, एक सूत्र में बांधने की क्षमता यदि किसी विचार में है, किसी भावधारा में है ना, तो वह भावधारा हिंदुत्व की भावधारा है। जिस हिंदुत्व का उपोद्घात स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, जिस हिंदुत्व को ही लोकमान्य तिलक जी ने, महात्मा गांधी ने अलग अलग शब्दों में बयान किया, उस हिंदुत्व की सारे राष्ट्र को एक सूत्र में गूंथने की क्षमता को, राष्ट्रीय चेतना को डॉक्टर जी ने पहचाना और व्यक्तियों के निर्माण के इस कार्य को एक वैचारिक अधिष्ठान आधार दिया हिंदुत्व का। वह हिंदुत्व कौन सा हिंदुत्व? हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा, भेद भावना तमस हटेगा, समरसता अमृत बरसेगा, हिंदू जगे तो विश्व जगेगा। क्यों? हिंदू सदा से विश्व बंधु है, जड़चेतन अपना माना है, मानव तरु पशु गिरी सरिता में एक ब्रह्म को पहचाना है, जो चाहे जिस पथ पर जाए साधक केंद्र बिंदु पहुंचेगा, हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा। डॉक्टर जी को विश्वास था कि भाषा भूषा खान पान, यहां तक पूजा पद्धति, इस संदर्भ में कतिपेय भेदों से ग्रस्त यह राष्ट्र एक अंतसूत्र से बंधा हुआ है। वह अंतसूत्र हिंदुत्व है। संघ ने हिंदुत्व के विचार को राष्ट्र के सामने रखा। आज हम देखते हैं कि हिंदुत्व विचार राष्ट्र के प्राची पर एक बलवत्तर विचार के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है, राष्ट्र को जोड़ने वाला यह विचार। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु है, या राम कृष्ण की धरती, बुद्ध महावीर की धरती, कंकर शंकर की धरती, खालसा पंथ की धरती, सबको एक सूत्र में बांधने वाली यह धरती, इसका आधार अधिष्ठान हिंदुत्व। उस हिंदुत्व के भाव जागरण की शुरुआत संघ की शाखा के माध्यम से हुई, छोटे 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 कार्यक्रमों के माध्यम से इसी सारे हिंदुत्व के जागरण के भाव को निवेदित करने वाला गीत सुन रहे हम, भोजपुरी असमी, इन भाषाओं में संघ के इस वैचारिक अधिष्ठान को, हिंदुत्व के अधिष्ठान को डॉक्टर जी ने किस प्रकार से सामने दिया, उसका बड़ा ही भावपूर्ण वर्णन है। चलिए सुनते हैं। संघ शक्ति के भैले जन्म दाता हो, संघ शक्ति के भैले जन्म दाता, जिगर गुण गावल जाता, जिगर गुण गावल जाता, जिगर गुण गावल जाता, जिगर गुण गावल जाता, संघ शक्ति के भैले जन्मदाता। केशव बलराम
सौ बलराम है गवार के दुनिया जाने ला जिस संग के भरावले पताका संग के भरावले पताका संग शक्ति के भैले जन्मदाता ओ संग शक्ति के भैले जन्मदाता बन के अइले सेवा भाव समर्पण कइले नहीं आस जुड़ल जेकर माता संग शक्ति में भइले जन्मदाता हो संग शक्ति के भइले जन्मदाता भक्ति के भाव जगैले तन मन स्वास्थ्य के बात बतैले देश भक्ति के भाव जगैले तन मन स्वास्थ्य के भाव बतैले जेकर दुनिया में कीर्ति फुलाता संग शक्ति के भैले जन्मदाता ओ संग शक्ति के भैले जन्मदाता अद्भुत ज्ञान के ज्योति जगैले देश के अंध के पाठ पढ़ैले अद्भुत ज्ञान के ज्योति जगैले देश अखंड के पाठ पढ़ैले जन जन के सुनावल जाता गाथा संग शक्ति के भैले जन्मदाता ओ संग शक्ति के भैले जन्मदाता धरती के लाल है चंदन श्रद्धा सुमन सदा समर्पण रौरे कीरति से ही लरा जुड़ाता संग शक्ति के भैले जन्मदाता ओ संग शक्ति के भैले जन्मदाता जेकर गुण गावन जाता जेकर गुण
राष्ट्र के अधपतन के लिए जिम्मेदार हम हैं, यानी हिंदू समाज। इस राष्ट्र के इतिहास में जब जब हिंदू समाज सबल था, संगठित था, तब तब यह राष्ट्र वैभव के शिखर पर था। लेकिन जब जाति पाति प्रांत भाषाओं के भेदों में हिंदू समाज बटा, विकल हुआ, शबल हुआ, तब तब इस राष्ट्र ने अधपतन की खाई को देखा। इस ऐतिहासिक सत्य को लेकर के डॉक्टर जी हिंदू संगठन के कार्य की नींव रख रहे हैं। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का, वो काम सब किए चलो, युग के साथ मिलके सब कदम बढ़ाना सीख लो। संगठन शास्त्र का महामंत्र डॉक्टर जी ने संघ की शाखा के माध्यम से रखा। और हमने देखा कि शुरू में केवल नागपुर तक सीमित कुछ किशोरवयीन विद्यार्थियों के साथ कबड्डी खेलते हुए जिस संघ की शुरुआत हुई, जिस प्रयोग को सारा समाज विस्मय से देख रहा था कि प्रांतिक कांग्रेस कमेटी का यह नेतृत्व किस प्रकार से बच्चों के साथ खेल रहा है, प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो रहे थे। वही संगठन उन्हीं किशोरवयीन बच्चों के साथ सारे देश में फैलना शुरू हो गया। कौन थे छोटे बच्चे, आश्चर्य लगता है। कहां था रावलपिंडी, कहां था सियालकोट, कहां था मद्रास, कहां था कश्मीर। भाषा भूषा खानपान के सारे भेदों पर मात करते हुए यह किशोरवयीन बच्चे केवल डॉक्टर जी के शब्द को अनुगम करते हुए गए। निमित्त पढ़ने का था, लेकिन संघ कार्य को बढ़ाते गए। आज इन सब भारतीय भाषाओं के गीत हम सुन रहे हैं ना, भारत वर्ष के कोने कोने से डॉक्टर जी के अभिवादन के सूर स्वर यहां गूंज रहे हैं ना। इसकी शुरुआत की थी उन छोटे छोटे बच्चों ने, जिनको कोई रंग रूप आशय आकार अस्तित्व नहीं था। क्या होगा डॉक्टर जी का व्यक्तित्व कि जिसका स्पर्श होने के बाद कोई पहचान जिन्हें नहीं थी, ऐसे छोटे बच्चों ने एक इतिहास को निर्माण किया, संघ देशव्यापी बना। इंद्र को भी अचूबा लगा था जब गोवर्धन उठाने के लिए गोपाल एकत्रित हुए थे। देवों को भी अजूबा लगा था जब राम जी की सहायता के लिए वानर एकत्रित हुए थे। लेकिन इतिहास राम ने गढ़ा, इतिहास कृष्ण ने गढ़ा, इतिहास परम पूजी ने, डॉक्टर जी ने भी गढ़ा। देखते देखते परम पूजी ने डॉक्टर जी के अथक प्रयास, अथक प्रवास के आधार पर संघ विश्वव्यापी बना, राष्ट्रव्यापी बना। कैसे, सुनते ही सूरी गीत में। Thank you.
के इस मंत्र जागर का और जागरता का आधार और अधिष्ठान था उसका लक्ष्य। परम पूज्य ने डॉक्टर जी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, कई किस्से हैं, एक एक व्यक्ति को उन्होंने कैसे प्रेरित और भारित किया, इसकी कथाएं जब हम सुनते हैं आश्चर्य होता है। लेकिन इतने बड़े संगठन की नींव डॉक्टर जी ने उनके दो पहलुओं के आधार पर रखी, निरंतर परिश्रम और स्फटिकवत शुद्ध चारित्र। परिश्रम कैसे, उन 50वें जीवन के उस आयुष्य में रक्त का अक्षरशः पानी बन गया, और चारित्र कैसा, केवल शब्द। डॉक्टर जी का वैशिष्ट्य यह होता था कि वो बहुत बड़े भाषण नहीं देते थे, लेकिन व्यक्ति के सारे जीवन का तारण जब शब्दों के पीछे खड़ा होता है ना, तो उसे अपने आप मंत्रों का सामर्थ्य प्राप्त होता है। जन्मजात देशभक्ति से पला बढ़ा यह व्यक्तित्व अपने अतुलनीय विश्वसनीयता के साथ जब समाज जीवन में जाता था, तो पंडित मदन मोहन मालवीय हो, उत्तर के या दक्षिण के रामास्वामी, सभी उनके अभिभूत हो जाते थे। प्रसंग है, नागपुर में डॉक्टर अभ्यंकर करके कांग्रेस के बड़े नेता थे, किस काम के लिए अपने डॉक्टर साहब उनके पास पहुंचे। घर में 18 विश्व दारिद्र्य था, इतना दारिद्र्य कि घर में कोई और अभ्यागत आए तो उसे चाय पिलाने के लिए घर में कुछ नहीं होता था। व्यक्तिगत जीवन के लिए किसी को कुछ नहीं मांगते थे, कि लेकिन संघ के लिए, किसी काम के लिए कुछ मांगने के लिए अभ्यंकर जी के पास पहुंचे। अभ्यंकर जी ने अपना कुछ जो देना था वो दिया। डॉक्टर जी ने विनम्रता से कहा, अभ्यंकर जी इसे वापस करने तक कोई प्रॉमिसरी नोट आप लिखाना चाहते हैं? अभ्यंकर ने कहा, डॉक्टर हेडगेवार जी से प्रॉमिसरी नोट लिखाने के लिए मैं पागल नहीं बन गया। लखलखी चारित्र्य, शब्दों का सामर्थ्य कैसे। परम पूज्य ने गुरुजी ने प्रसंग बताया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिलने आए थे, राष्ट्र के संदर्भ में कुछ समस्याएं थी। गुरुजी ने कहा, डॉक्टर जी की तबीयत ठीक नहीं है, अंतिम दिन चल रहे थे, व्याधिग्रस्त थे, बोलने तक की शक्ति नहीं थी। गुरुजी ने कहा, आपको चलता होगा तो सारे समस्याओं पर, सारे प्रश्नों पर आपसे चर्चा मैं करूं, 2 घंटे की चर्चा हुई। गुरुजी लिखते हैं, समाधान नहीं हुआ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। इतनी बड़ी गंभीर वैचारिक चर्चा के बाद भी श्यामा प्रसाद जी कहते हैं, 5 मिनट के लिए डॉक्टर से मिलना फिर भी चाहूंगा। गुरुजी लिखते हैं, मेरे मन में प्रश्न आया कि 2 घंटे की चर्चा के बाद जो समाधान नहीं हुआ वो 5 मिनट मिलने के बाद कैसे होगा। लेकिन डॉक्टर मुखर्जी अंदर जाते हैं, आज इस प्रसंग को जब आंखों के सामने साकार करते हैं ना, तो मन में आता है कि उस लेटे हुए डॉक्टर जी ने क्या बात की होगी, केवल नयनों की भाषा होगी। लेकिन श्यामा प्रसाद जी जब बाहर आते हैं तो कहते हैं, मेरा पूर्ण समाधान हुआ है। व्यक्ति के जीवन में जब तपस्या एक तारण करके खड़ी होती है, तो उसे शब्दों को मंत्र का सामर्थ्य देने का भी शक्ति प्राप्त होती है। डॉक्टर जी का जीवन ऐसा था। इस जीवन चरित्र को आगे बढ़ाते हुए चलिए सुनते हैं हिंदी भाषा का यह गीत, जो गीत डॉक्टर जी के इन्हीं गुणों विशेषों को हमें और भावभंगिमा के साथ समझाएगा कैसे थे हमारे डॉक्टर। हिंदी में,
कल घोर तम था मातृ भूखी दुर्दशा की आत्मविस्मृत हम सभी थे कुछ न जीवन की दिशा की कुछ न जीवन की दिशा घोर Shabbat shalom.
अथक अविरत प्रयास से डॉक्टर जी ने संघ मंत्र के बीज को देश भर फैलाया। 1940 का जून महीना नागपुर के तृतीय संघ शिक्षा वर्ग में अत्यंत विकल शारीरिक अवस्था में डॉक्टर जी ने अपना अंतिम भाषण दिया, जिसमें कहा कि सारे हिंदू राष्ट्र का एक लघु रूप मैं यहां देख रहा हूं। उसके बाद कुछ ही दिनों में डॉक्टर जी का देहावसान हुआ। संघ मंत्र के उस उद्गाता ने अपने छोटे से जीवन में एक बहुत बड़ा पाथेय हम सभी के लिए दिया। आज हम देखते हैं कि संघ वृक्ष फला है, बड़ा है। यह वटवृक्ष जो कभी एक राई के रूप में था, आज महावृक्ष बना है। मातृ चरण की सतत साधना श्रम के कितने सुफल बने हैं। संघ मंत्र से प्रेरित होकर बिखरे हिंदू हृदय जुड़े हैं, इसका भी अनुभव हम कर रहे हैं। संघ एक राष्ट्र में शक्ति के रूप में उदयमान हुआ है। जब कभी सेमी डॉग बट नॉट हिंदू यह कहा जाता था, उसी राष्ट्र में आज गर्व से कहो हम हिंदू है, इस भाव का जागरण हो चुका है। हिंदुत्व राष्ट्र के जीवन में मध्यवर्ती स्थान को प्राप्त कर चुका है। राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा, यदि देश सारा संकटों पर मात कर, यह राष्ट्र विजयी हो हमारा, इस भावना की अनुभूति भी हम वर्तमान में ले रहे हैं। निश्चय ही परम पूज्य ने डॉक्टर जी ने जो सपना देखा था ना, एक बलशाली हिंदू राष्ट्र का, विश्व गुरुपदी विराजमान हिंदू राष्ट्र का, परम वैभव के शिखर पर आसीन हिंदू राष्ट्र का, उसके प्रासाद चिन्ह उदयमान हो रहे हैं। करवट बदल रहा है, देखो भारत का इतिहास, जाग उठा है हिंदू हृदय में विश्व विजय विश्वास। इस पुण्य स्मरण के कार्यक्रम को इस अंतिम पड़ाव पर ले जाते हुए मेरे मन में आता है, डॉक्टर जी के मन में अंतिम क्षणों में क्या होगा? पूज्य मां की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूं, उच्च है वह शिखर देखो, मैं नहीं वह स्थान लूंगा, और अचित्रित भित्तिका है मैं नहीं शोभा बनूंगा, चढ़ रहा है मातृ मंदिर नीव का मैं एक कण हूं, पूज्य मां की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूं, मातृभूमि के प्रति समर्पण की इस भावना को ही डॉक्टर जी ने हमें और आपको दिए हुए परमोच्च मूल्य के नाते स्वीकारते हुए उनके पावन चरित्रों को पुनः पुनः प्रणाम करते हैं। डॉक्टर जी कहते थे कि मैं संघ का स्वयं सेवक था, यह वाक्य मेरे जीवन में कभी नहीं आना चाहिए। डॉक्टर जी के पावन स्मृति को वंदन करते हुए उन्हीं के चरणों में इस प्रार्थना को हम करेंगे कि जीवन के अंत तक किसी ना किसी दायित्व का निर्वहन करते हुए यह जो राष्ट्र जागरण का अभियान चला है, उसमें हम अपने अपने क्षमताओं के साथ सम्मिलित होगी, क्योंकि करवट तो बदल रहा है, देखो भारत का इतिहास, जाग उठा है हिंदू हृदय में विश्व विजय विश्वास, सदियों से विस्मृत गौरव का भारत मां परिचय देगी, सौम्य शांत सुखदायी जननी नवयुग नव जीवन देगी, उस जीवन दर्शन से होगा मानव धर्म विकास, बुझा सके हिंदुत्व सुधा ही अब वसुधा की प्यास, ग्रीक मिटे यूनान मिट गए, भरत भूमि है अविनाशी, आदि अनादि अनंत राष्ट्र है संस्कृति सुचिता अभिलाषी, भोगवाद के महल ढर है साम्यवाद के महल ढह गए, बदल गया इतिहास, पश्चिम के असफल चिंतन का शनै शनै हो रास, करवट बदल रहा है देखो भारत का इतिहास, इस बदलते हुए इतिहास का साक्षी बनते हुए चले, इस पुण्य स्मरण को अंतिम पड़ाव के तरह ले जाते हुए परम पूजनीय डॉक्टर जी को मराठी में, मराठी भाषा में अभिवादन करते हैं। अमूर्त मूर्त मूर्तिमंत तुझ समान हो दे, तुझ समान हो दे। धन्यवाद। समान हो दे, तुझ समान हो दे,
ये तशरण तव पदासि देशकार्य विरमुदे देशकार्य विरमुदे सुगंध तुझ समान सर्व दूर पसरू दे देश कार्य विरमू दे असि भव्य दिव्य दीप तेज तुझे असे अमूप ज्योतती हृदयांतरी उजळू दे देशकारी विरमू दे धर्म संस्कृतीचे संरक्षण हो दे देश कार्य विरमुदे अमूर्त मूर्त मूर्तिमंत तुझ समान हो दे तुझ समान हो दे ये शरण तव पदासी देशकार्य विरमुदे देशकार्य विरमुदे देशकार्य विरमुदे देशकार्य विरमुदे